हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम एक वीडियो ऐसी लेके आए हैं जिसमें हम थंबनेल के ऊपर बात करेंगे कि हम थंबनेल कैसा बनाएं, और मैं मोबाइल से ही पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं आपको कि आप मोबाइल से थंबनेल अच्छा क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जी हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको मोबाइल से बनाकर दिखाऊंगा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा जो इम्प्रेशन यूट्यूब भेजता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो थंबनेल जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग देखते ही अपने वीडियो को क्लिक कर दें और देखने लग जाए। क्योंकि थंबनेल एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम मान लीजिए कोई फिल्म बनाते हैं तो उसका पोस्टर जो लगाते हैं उसे ही दैट्स थंबनेल बोला जाता है। तो गाइस अगर आप भी ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे थंबनेल क्रिएट होगा। HD क्वालिटी में थंबनेल बनाने के लिए हमें कैनवा एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जो हम इजीली प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करेंगे। तो गाइस मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो गाइस मैंने मतलब कर लिया इसे ओपन। अब ये जो हमारा प्लस वाला आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ से आप फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले ही फ़ोटो सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए मैं कीप करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर रखूँगा। तो यहाँ से यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ढेर सारे YouTube थंबनेल्स आ चुके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे थंबनेल्स हैं, आप इसमें से सेलेक्ट करके इसे एडिट करना होता है। तो मैंने पहले से ही मतलब सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ब्लैंक वाला यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था। तो ये बिल्कुल ब्लैंक वाला है। अब ब्लैंक वाले में यहाँ पे हमें अपनी पिक ऐड करनी है, कोई भी आपने पिक खींच रखी है तो वो यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ से हम रिप्लेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस वाला पे क्लिक करने के बाद ये मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं इसे क्रॉपिंग करके यहाँ पे, यहाँ से मैं क्रॉप करके इसे लगा देता हूँ ऊपर थोड़ा। तो यहाँ पे गाइस कर दिया मैंने इसे। अब गाइस यहाँ से मैं बैक, यहाँ से प्लस वाले आइकन पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं टेक्स्ट पे ओके करके यहाँ पे ऐड या हाइडिंग। तो यहाँ से दोस्तों आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ YouTube। तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो, साइज आप चाहे बड़ा कर लीजिए, मैं इतना बड़ा रहने देता हूँ और इसे यहाँ पर ले आके छोड़ देता हूँ। तो गाइस अब हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो फिर हम प्लस वाले आइकन पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बैक जाएंगे एलिमेंट्स, तो मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया हूँ, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसे खींच के थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ से एलिमेंट हो गया सेलेक्ट। बस गाइस फिर से हम प्लस वाले आइकन पे सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स क्या हुआ है यूट्यूब उठाएंगे और इसको यहाँ पर ले आते हैं छोटा कर। इतना ठीक है, फिर से हम प्लस वाले आइकन पर सेलेक्ट करेंगे और ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वाइट वाला। अब अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, यहाँ पर रहता हूँ। अब मुझे वाइट वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कि मैं बैक वाला कलर चेंज करूँगा। इस पे पूरे सेलेक्ट करना है यहाँ से कलर। ये कलर ऐसा ठीक है। अब इसमें पिक फिर से ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो पिक गायब हो गई है, रिप्लेस करके इमेजेस उठा लेनी है। इसको क्रॉपिंग करना है थोड़ा, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कर देते हैं। तो ये लीजिए गाइस, यहाँ से इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके गाइस,
तो अब इस पे मैं ऐड कर देता हूँ टैक्स, यहाँ से ऐड ए हेडिंग, यहाँ साइज आप बदल सकते हैं, इतना बड़ा रख लीजिए कोई बात नहीं। तो थंबनेल यहाँ फिर से एडिंग ऐड करेंगे, इतना बड़ा रहने देता हूँ इसे, इसको उठा कर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस अब इसका एलिमेंट्स चेंज करके फिर से प्लस वाले आइकन पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एलिमेंट्स एलिमेंट्स मैं यही उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पर ले आकर छोड़ देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ हेडिंग, तो ऐसे मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। तो साइज आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं फिर से एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, एलिमेंट्स ये वाला इस बार लगा देते हैं, तो ठीक है गाइस ऐसे मैंने तैयार कर लिया है थंबनेल, सिर्फ 2 मिनट में यहाँ से हम सेव करेंगे। तो गाइस प्रिपेयरिंग लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ सेव टू इमेज में सेव कर लें। बस गाइस हमारी थंबनेल जो है वो सेव हो चुकी है।